माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत स्वागत। मैं उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन रिसर्च की अध्यक्षा श्रीमती क्षिप्रा शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज के प्रमुख अतिथि उत्तर प्रदेश के ऐसे योगी हैं जिन्होंने प्रदेश में लुप्त हो चुके शासन को अपने सुशासन की धार से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया है। अटायर सैफरन, मन से तपस्वी लेकिन थॉट मॉडर्न, फर्म डिटर्मिनेशन, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, जनमानस की सेवा का संकल्प, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देश के सबसे कॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित करता है। यूपी में पले बड़े लोगों के लिए सुशासन शब्द विरोधाभासी प्रतीत होता था, जिसे हम सिर्फ सुना ही करते थे। फिर 2017 में भाजपा सरकार बनी और जनप्रिय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। गुंडे, माफिया, दंगाइयों और भ्रष्ट नेताओं की कालिक से पोता बीमारू यूपी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के न सिर्फ स्वप्न देखने लगा, बल्कि एक विलक्षण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां तक पहुंचता दिख भी रहा है। योगी जी के वस्त्र का रंग एक आयामी हो सकता है, परंतु उनकी शासकीय योजनाएं हमेशा से ही बहुआयामी रही हैं। चाहे ढांचागत विकास हो या विधि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, विदेशी निवेश हो या बालिकाओं नारियों की सुरक्षा, कुंभ मेला हो या राम मंदिर, उनके विराट और दूरदर्शी व्यक्तित्व की छाया और छाप हर स्थल पर स्पष्ट दिखती है। कागजों में सिमटी योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए मैंने इन्हें बहुत निकटता से देखा है। किसने सोचा था कि सुदूर गांव के किसी भी कारीगर का हस्तशिल्प या परंपरागत उत्पाद अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के राष्ट्राध्यक्षों के कार्यालयों की शोभा बढ़ाएगा। किसने सोचा था कि कुंभ के मेले का आयोजन इतना भव्य होगा। किसने सोचा था कि विदेशी कंपनियों के साथ लाखों करोड़ रुपए के एमओयू का भागीदार उत्तर प्रदेश बनेगा। किसने सोचा था यूपी मॉडल और योगी मॉडल का जरवा इतना होगा कि दक्षिण भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे जगहों पर आपको सुनने के लिए लाखों की भीड़ आएगी। कोविड के समय जब पूरा विश्व थम सा गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी के सुशासन का कमाल था कि यूपी की फैक्ट्रियों में पीपी किट बन रहे थे, जिन्हें हम कभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया करते थे। वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कोविड इन्फेक्टेड होने के बाद भी दिन में दो दो तीन तीन बार अपने अधिकारियों की टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रिव्यू मीटिंग करते रहे, जिससे आम जन को कम से कम मुश्किल हो और उन्हें मुश्किल घड़ी में भी स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके। यह मुख्यमंत्री जी की बोल्डनेस और जनता की सेवा के लिए कमिटमेंट ही था कि जैसे ही वो ठीक हुए, एक क्षण भी गंवाए बिना उन्होंने ज़िले ज़िले स्वयं खुद से जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन किया। यह सुशासन का योगी मॉडल था और फिर उनको भारत का जिसने लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना दिया। लाखों की संख्या में पलायन करने वाले मजदूरों की स्किल मैपिंग करके उनको रोजगार दिया। यह उनकी मेटिकुलस प्लानिंग, विजनरी थॉट प्रोसेस, देश की आम जनता के प्रति संवेदनशीलता, जो काम के प्रति उनके डेडिकेशन के कारण ही संभव हो सका। ODOP जैसी स्कीम जिसने छोटे छोटे कारीगरों को ग्लोबल एंटरप्रेनर बनाकर विशिष्ट पहचान दी, यह उनके सुशासन का ही कमाल था। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने हर हाथ को काम देकर रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। इन स्कीमों में दिए जा रहे टूल किट ने रोजगार के साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी इंश्योर की। योगी जी की ODOP VSSY जैसी स्कीम्स ने यूपी की डेमोग्राफिक स्किल ही बदल कर रख दी जी, जिसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार अपने प्लेटफॉर्म से कर चुके हैं। योगी जी कहते नहीं, योगी जी करते हैं, यही योगी जी का नया यूपी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि अपने मार्गदर्शन से कृपया करके हम सबको अनुग्रहित करें। नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुशासन महोत्सव 2024 कि आज के इस दो दिवसीय आयोजन में
रामभाव म्यालगी प्रबोधनी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी, सामान्य डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, श्री प्रभु गौरांग दास जी, अभय जी छिप्रा जी और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उपस्थित प्रदेश देश के हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए रामबाहु म्यालगी प्रबोधनी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लगातार सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रबोधनी के द्वारा जो प्रशिक्षण ओरिएंटेशन के कार्यक्रम चलते रहते हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को न केवल सुदृढ़ करता है बल्कि विचार परिवार की उन भावनाओं को भी सुदृढ़ करता है जो सेवा और सुशासन को अपने जीवन का लक्ष्य मान करके सार्वजनिक जीवन में कार्य करने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं कि सुशासन महोत्सव 2024 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को हम सब के सामने प्रस्तुत कर देता है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हमें से हर व्यक्ति, पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज एक नए भारत का दर्शन कर रही है। ये नया भारत जिसमें न केवल 140 करोड़ लोगों के विश्वास को अर्जित करने और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपनी योजनाएं हैं, बल्कि जिस नए भारत के माध्यम से हम लोग दुनिया को भी सम और विषम दोनों परिस्थितियों में नेतृत्व देने की सामर्थ्य रख रहे हैं, जो कुछ भी हो पाया है यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प और विजनरी लीडरशिप के नाते आज यह हम सब के सामने देखने को मिला है। देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना है तो सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। जेम ट्रिनिटी के माध्यम से जनधन, आधार और मोबाइल का बेहतर उपयोग करके भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है तो डीबीटी के माध्यम से अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ सीधे सीधे पहुंचाने का कार्य भी हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कभी परिकल्पना थी आज वह साकार हुई है। आज इसी का परिणाम है कि जो पहले हम भारतवासियों को बोला जाता था कि हमारा जो कुछ भी है ये तो एक पोगापंथी है, इस पर हमें गौरव की बजाय इसके लिए हमें लांछित किया जाता था, आज पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। याद करिए जब योग को 21 जून की तिथि को इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि तय होती है, लोगों ने प्रारंभ में हंसी उड़ाई। आज हम सब प्रफुल्लित होते हैं जब दुनिया के 193 देश भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ करके
न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी इस पूरी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यह भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता है और यह संभव हो पाया मोदी जी के कारण। हजारों वर्षों से चली आ रही कुंभ की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है और यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। और कौन नहीं जानता है कि भारत वासी अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके, इसके लिए समय समय पर किए गए अलग अलग जो प्रयोग हैं वे हम सबके सामने उदाहरण है। हम वर्तमान में आजादी के अमृत काल के इस प्रथम वर्ष में कार्य कर रहे हैं। याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश में होना था, यह हम सब जानते हैं कि वर्तमान की जो हमारी लीडरशिप है इनमें ज्यादातर लोग 1947 के बाद ही जन्मे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज का जो भारत है यह आजादी के अवसर के उन कार्यक्रमों का प्रत्यक्षदर्शी नहीं बन पाया था। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं आने वाली पीढ़ी के सामने कि जब देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो हर घर तिरंगा के माध्यम से हमारी भी उपस्थिति इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई थी। यानी ये सभी चीजें दिखाती हैं कि देश को जोड़ने का अवसर आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव हो, उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर हर गांव और हर कस्बे में जहां कहीं भी आजादी से जुड़े हुए उन नायकों ने महानायकों किसी भी प्रकार का योगदान किया है उन्हें लिपिबद्ध करने का जो एक प्रोत्साहन उस कालखंड में मिला वह एक धरोहर के रूप में आज भी हमारे पास संरक्षित है। और भारत को उसकी सांस्कृतिक पहचान मिल सके, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारपुरी का या बद्रीनाथ धाम की पुनरुद्धार का कार्य हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर में एक नई अयोध्या में उस नए धाम का दर्शन करने का सौभाग्य, जिस अयोध्या में पहले लोग जाना नहीं चाहते थे, जाने में संकोच करते थे, पिछले 18 दिन के अंदर 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उसी अयोध्या में आके दर्शन किया है। यानी चीजें दिखती हैं कि अयोध्या आज दुनिया को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती है और दुनिया की सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपने को स्थापित कर रही है। ये चीजें जो कुछ भी हो रही हैं या इसलिए क्योंकि दृढ़ संकल्प के साथ मोदी जी ने देश को जो लीडरशिप दी है, चाहे वह हमारे संकल्पों का वह भाग जिसे 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था, इस देश को एक स्लोगन दिया था, एक देश में दो प्रधान दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी थी, उसको समाप्त करने का काम भी किया। ये इसलिए क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है और मोदी जी ने सदैव इस बात को कहा कि नेशन फर्स्ट, यह हर भारतीय का संकल्प होना चाहिए और उस संकल्प के अनुरूप जब योजनाएं बनती हैं तो वास्तविक धरातल पर भी देखने को मिलती है। मैं पिछले लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का मुझे अवसर मिला और हम लोगों ने देखा है केवल योजना बनाना ही नहीं, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का तरीका क्या होना चाहिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वेलफेयर स्कीम का हो। हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस नए भारत के अंदर देखा है, बिना भेदभाव के भी पूरे देश को अपनी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है, इन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग के माध्यम से लोगों में न केवल ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने में बल्कि उनके संतुष्टि के लेवल को बढ़ाने में भी प्रशासन बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, और टेक्नोलॉजी कैसे उसमें सहायक हो सकती है, यह पिछले 10 वर्ष के अंदर इस नए भारत के अंदर हम सब ने महसूस किया है। और सचमुच कहा जा सकता है कि सेवा, सुशासन और लोक कल्याण, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। आज परिणाम है कि हमने विगत 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी, कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। बिना भेदभाव के यूपी के हर नौजवान को जो भी इसमें अपने अनुसार जिस भी क्षमता के साथ आता था उसके चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, उत्तर प्रदेश में उसका चयन हुआ। ये सभी 6 लाख नौजवान आज यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक रोजगार सृजन और नौकरियों की स्थापना के लिए हम लोगों ने नए प्रयास किए। परंपरागत उद्यम में क्या हो सकता है, अक्सर हम लोग मानते हैं कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए होना भी चाहिए और हमारी सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसका आधार कहां पे है? अगर आपके पास एमएसएमई का क्लस्टर है तो यह एक बेस तैयार करता है किसी बड़े औद्योगिक निवेश के लिए। उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली था कि हमारे पास एमएसएमई के क्लस्टर मौजूद थे लेकिन दशकों से उपेक्षित पड़े हुए थे। उनके पास न टेक्नोलॉजी थी, उनके पास न मार्केट थी, न उनके पास पैकेजिंग की व्यवस्था थी, न उनके पास किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं थी, वे बंदी के कगार पर थे। हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना 2018 में प्रारंभ की, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अपनी यूनिक प्रोडक्ट के रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त हुई है, और अब हम लोगों ने न केवल एमएसएमई उद्यम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या हमारे किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र को फाइनल ईयर में ही हमने सुविधा प्रदान की है कि अपना प्रोजेक्ट वर्क करते समय वह किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो हम सीएम इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से उसको आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा वह इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाएगी, तो वह नौजवान अपने फाइनल ईयर में ही किसी न किसी रोजगार और किसी न किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। दूसरा, प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क का गठन हो सकता है, इसको भी प्रोत्साहन करने के लिए यूपी प्लेस पार्क की एक स्कीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू की है, और अभी इस वर्ष के बजट में हम लोगों ने अपने नए उद्यमियों के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे युवा उद्यमियों को जो एक निश्चित प्रशिक्षण के साथ प्रदेश के अंदर जुड़ते हैं, और उनको हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। यह एक नई स्कीम है। फर्स्ट पहले चरण में हम 5 लाख रुपया देंगे और फिर दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लेकर के आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर आज एमएसएमई के माध्यम से
और एमएसएमई का लाभ, इसमें सरकार के द्वारा समय पे उठाए गए कदमों का परिणाम क्या था? जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर वापस आया था। चैलेंज था हमारे सामने, ये 40 लाख लोग कहां जाएंगे? हम लोगों ने इनकी स्किल मैपिंग हम प्रारंभ में ही कर रहे थे, और फिर मैंने एक अपील की प्रत्येक एमएसएमई यूनिट को कि भाई हम आपको एक सप्लाई चेन देंगे, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी, कोरोना से बचने के लिए भी हम सभी प्रकार के आपके लिए उपाय करेंगे, लेकिन मेरी आपसे अपील होगी कि एक या दो लोगों को जो एक कामगार और श्रमिक आए हैं इनको कार्य मिलना चाहिए, इनको अपने यहां लेकर के इनकी प्रतिभा का उपयोग करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अधिकतर कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में ही उनका समायोजन हुआ, वे आज भी वहां सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ये मॉडल भी उत्तर प्रदेश ने दिया और वह कार्य सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में कोरोना जैसी महामारी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस महामारी का सामना भी किया, लेकिन किसी को बेरोजगार भी नहीं होने दिया, उद्यम हमारे चलते रहे। हमने अपने सभी 119 चीनी मिलों को भी चलाया। आज उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह आत्मनिर्भर, 2017 के पहले जो एक प्रकार का बीमार सा हो चुका था, बंदी की कगार पर था, न केवल चीनी उद्योग आज आत्मनिर्भर है, बल्कि उत्तर प्रदेश भी सरकार के द्वारा समय समय पर उठाए गए कदमों के कारण आज बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके एक स्वावलंबी राज्य के रूप में, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास सुरक्षा का बेहतर मॉडल है, हमने टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया, एमएसएमई के क्लस्टर को प्रोत्साहित किया। परिणाम है जिस उत्तर प्रदेश में लोग पहले आना नहीं चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के बेहतरीन प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। हम लोगों ने फरवरी 2023 में अपना प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुझे याद है 2018 में जब हम अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे थे, तब जब मैं अपनी टीम के साथ बैठा था तो मैंने उस समय उनसे पूछा था भी आपका लक्ष्य क्या है, तो 2018 में जो टीम यूपी की मुझे कहती थी कि साहब 20,000 करोड़ का निवेश आएगा, मैंने उस समय उनको शांत किया था, मैंने कहा 20,000 नहीं, हमारा लोअर जो टारगेट होगा वह 2 लाख करोड़ का कम होना चाहिए, और फिर हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज उसी उत्तर प्रदेश में जब 23 में हम इन्वेस्टर समिट करते हैं तो हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, और 40 लाख निवेश के प्रस्ताव, यानी आप सोच सकते हैं कि इससे हम 1,30,00,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी देने में सफल हो सकते हैं, और हमारे सारे कार्यक्रम उसी इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से पहले ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों का भूमि पूजन का कार्यक्रम एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। प्रदेश ने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों की, जिनकी ताकत का एहसास लोग नहीं कर पाते थे, गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को वे साकार करते थे, लेकिन उनको हम लोगों ने किन कारणों से उपेक्षित छोड़ दिया था, हमने 2019 में उनकी मैपिंग करवा ली थी, उनकी ट्रेनिंग, उन्हें टूलकिट देने की व्यवस्था, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1,00,000 जो परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ उन्हें पीएम मुद्रा योजना के साथ साथ अन्य तमाम योजनाओं के साथ जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया। पीएम विश्वकर्मा की योजना, ये वही योजना है जिसमें हम अपने इन हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को भी हमें प्रोत्साहित करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा है।
तो पहले 80 से 86 हजार करोड़ तक मात्र था। 3 वर्ष के कोरोना कालखंड की अवधि को छोड़ दें तो भी उत्तर प्रदेश आज के दिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के अपने परंपरागत उद्यम में एमएसएमई यूनिट से जो भी प्रोडक्ट उनका आता है इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल था लेकिन उसका बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो उत्तर प्रदेश ने आज इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ किया। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की यह बैकबोन होती है। हमारी सरकार जब आई थी उत्तर प्रदेश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अत्यंत बदहाल थी। हमारे 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में केवल हमारे 4 से 5 जनपद ऐसे थे जहां बिजली मिलती थी, बाकी अन्य सभी जनपदों में 5 से 6 घंटे तक बामुश्किल बिजली मिल पाती थी। आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि हमने विद्युत प्रोडक्शन भी किया है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी समान रूप से सभी 75 जनपदों में आज हम बिजली मार्च अप्रैल 2017 से ही प्रत्येक जनपद को हम बिजली उपलब्ध समान रूप से उपलब्ध करवा रहे हैं। और आज के दिन पर विद्युत की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। हम चाहे वह घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे वह कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्री हो, इन सबको समान रूप से विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश की स्थिति हर व्यक्ति जानता था। लोग ये मानते थे कि जहां से सड़कें खराब हैं तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ हम जोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में देश के सर्वाधिक एक्सप्रेस हाईवे आज के दिन पर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा क्रियाशील हो चुका है जो प्रदेश की राजधानी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर तक जोड़ता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से अभी लोकार्पित हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है, जो बुंदेलखंड के सभी जनपदों को जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। प्रदेश के अंदर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे कार्य चल रहा है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे, यह प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले पहले हमारा प्रयास है कि हम इसको राष्ट्र को समर्पित करवाएं और इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य वर्तमान में चल रहा है। प्रदेश के अंदर 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली मेरठ को जोड़ चुका है। मेरठ की स्थिति इस एक्सप्रेस हाईवे के बनने के पूर्व मेरठ से दिल्ली की दूरी तय करने में 3-3.5 घंटे लगते थे, आज मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुकी है। आज देश के अंदर सबसे अधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन हम उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। अयोध्या को भी इनलैंड वाटरवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ाने दिशा में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश एक और जहां इन सभी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जाना जा रहा है, एयर कनेक्टिविटी को हमने बेहतर किया है। 2017 में जब हमारी सरकार आई थी तो मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और आज उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बहुत शीघ्र लेके आने वाले हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से कार्यरत हो चुका है,
जेवर में बहुत शीघ्र नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र 10 नए एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हम फंक्शनल करने जा रहे हैं, जिन पे वायु सेवा हम दे देंगे। इनका कार्य पूरा हो चुका है और आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 21 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश के अंदर बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी के लिए आज जाना जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी लॉजिस्टिक की जो अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर होनी चाहिए, अनेक रोजगार के सृजन के माध्यम बनेंगे। सर्विस सेक्टर में हमारे पास जो अनेक संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। खेती किसानी पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था यूपी में, तो आप सब जानते हैं हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन भी है, अत्यंत उर्वरा भूमि भी है, लेकिन किसान उपेक्षित था, आत्महत्या कर रहा था। इसी उत्तर प्रदेश में 2014 के पहले आत्महत्या करता था, 2017 के पहले भी लोगों आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। आज परिणाम क्या है, कृषि विकास की दर को पिछले 6 वर्ष के अंदर 3 गुना से अधिक बढ़ाने में उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई। किसान को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया, उनके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आज परिणाम हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे, जिस उत्तर प्रदेश में किसान अपने गन्ने के खेत में आग लगाता था, मैं एक दिन गन्ना किसानों को हुए गन्ना मूल्य के भुगतान की ही मैं देख रहा था, मुझे बताते हुए आश्चर्य होगा कि 22 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2,03,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और हमारी सरकार ने गत 6.5 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों को 2,35,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 6.5 वर्ष के अंदर किया, जो 22 वर्ष के अंदर जितना नहीं हो पाया था उससे अधिक सरकार ने मात्र 7 वर्ष में गन्ना किसानों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को ये साकार करता है कि किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे राज्य सरकार सहायक हो सकती है। ये गन्ना किसानों के क्षेत्र में है, प्रोक्यूरमेंट की अपनी पॉलिसी लाई गई, प्रदेश के अंदर आज लागत का 1.5 गुना MSP किसानों को प्राप्त हो रहा है, बेहतरीन सुविधा के साथ आज किसान आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, अनेक प्रकार से वह आगे बढ़ा है, प्रदेश हरेक क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के वेलफेयर स्कीम की उन सभी योजनाओं का लाभ, जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि यह देश के अंदर इन योजनाओं को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ODF के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो टारगेट था उससे 1 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश ने उसे अचीव किया, ODF प्लस के लक्ष्य को यूपी ने अचीव किया। देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 55,83,000 आवास यहां के एक एक गरीब को उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। अन्य तमाम योजनाओं का, आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर अन्य योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाने के लिए, और उसी का परिणाम है कि एक गरीब को जब योजना का लाभ मिलता है तो उसका संतुष्टि का लेवल भी बढ़ता है, वो आत्मनिर्भर भी होता है। अनेक ऐसे उदाहरण है जब एक योजना पूरे परिवार की आत्मनिर्भरता का कारण बना और इन आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह परिवार आज कैसे प्रफुल्लित होता है। तमाम लोगों के वोट बैंक पर भी इसका असर पड़ा है, लोगों को अब लगता है कि जो लोग वोट बैंक के लिए उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते थे जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य बातों के आधार पर, आज वे विफल हुए हैं और मोदी जी के मॉडल को देश ने सेवा, सुशासन और लोक कल्याण के इस मॉडल को स्वीकार करते हुए आज वह तेजी के साथ इसके साथ जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण विषय को डिबेट का हिस्सा बनाने और मोदी जी के इस मॉडल को देश के अंदर लागू करने के लिए श्री राम भाव महलगी प्रबोधनी के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है अत्यंत अभिनंदनीय है और मेरी तो हार्दिक इच्छा थी
मैंने माननीय श्री विनय जी को भी इस बारे में अवगत कराया था। आज चूंकि हमारा बजट सेशन चल रहा है तो बजट सत्र का अंतिम दिन होने के नाते मेरी उपस्थिति आज यहाँ पे आवश्यक थी, अन्यथा मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में भागीदार बनूं। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे वर्चुअली अवसर प्रदान किया और मैं इन सभी युवाओं के सामने उत्तर प्रदेश की लघु झलक भी प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रबोधनी का इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।